A nice question. Ready, guys? Rolling. So firstly, many congratulations, Saubhagyavati, season 2 के लिए. क्या कहना चाहोगे आप दोनों नई कास्ट यू नो एज ए चुने गए हो, क्या कहना चाहोगे, कितनी एक्साइटमेंट और नर्वसनेस है? सुपर एक्साइटेड यार, आई थिंक एंड थोड़ी सी मुझे नर्वसनेस जो अच्छी वाली होती है वो भी है. आज उसने अच्छा बोला कि पेपर दे दिया, अभी रिजल्ट का वेट कर. आज 10 बजे रिजल्ट आउट है तो सब लोग देख के बताएंगे कि कैसा हुआ. बट इट्स वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक शोज द प्रीवियस सीजन एंड आई एम सुपर हैप्पी टू बी द पार्ट ऑफ दिस सीजन. एंड मैंने अपनी जिंदगी में एज एन एक्टर ऐसा किरदार निभाया नहीं, ये मैं पहली बार कर रहा हूँ ऐसा ग्रे शेड कैरेक्टर. मैं इन्जॉय कर रहा हूँ एवरी सीन, एवरी शॉट ऑफ माइन. मुझे अच्छा फीडबैक मिल रहा है. जस्ट वेटिंग फॉर द ऑडियंस टू सी इट एंड गिव मी द काइंड ऑफ लव दैट बीइंग गिवन यू. अमन अमनदीप आप क्या कहना चाहोगे? आई एम रियली हैप्पी दैट धीरज इज़ देयर विद मी एंड हमारी जोड़ी पहली बार आ रही है टीवी पे. सो आई जस्ट होप कि लोगों को पसंद आए. सिया का किरदार मेरे लिए भी बहुत बहुत अलग होने वाला है, ऑडियंस को बहुत अलग अमनदीप दिखने वाली है. सो एंड ऑफकोर्स स्टोरी भी बहुत अलग होने वाली है पहले वाले सीजन से. तो आई थिंक सो ऑडियंस के लिए इट्स लाइक अ फुल यू नो मील, एवरीथिंग ऑन अ प्लेटर. अगर सीजन 1 की बात करें तो इट वॉज एंडेड यू नो विराज बिहाइंड द बार था और साई के थॉट्स में मेमोरी में साई के था. क्या ये सोच सकते हैं कि इस बार जो आएगा जो सीजन है ये बार का वो वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर है, इस बार वुमेन अपना पाव बताएगी? वॉच द शो फॉर दैट, यू कैन नॉट रिवील इट राइट नाउ, बट इफ यू सी दिस सीजन विल बी अ वेरी न्यू एज सीजन. द स्टोरी लाइन आई एम टॉकिंग अबाउट, द कैरेक्टर्स आई एम टॉकिंग अबाउट. जब पहला सीजन आया था तब शायद सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, शायद था ही नहीं मुझे लगता है तब. लेकिन अब डिजिटल वर्ल्ड है, सोशल मीडिया वर्ल्ड है, तो आई थिंक हमने अपनी स्टोरी लाइन भी उसी हिसाब से थोड़ी सी घुमाई. धीरज ये जानना चाहूँगी, खेल वही कहानी नहीं लेकिन इस यू नो सिंहासन पर होगी किसी खलनायक की यू नो जगह, तो ये कह सकते हैं क्योंकि आपके लिए यू नो प्यार आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब प्यार का मतलब कंट्रोल है. सो दैट मीन्स विराज के ऊपर आप भारी पड़ने वाले हो इस सीजन में? मैं अभी तक विराज के ऊपर भारी पड़ने वाला हूँ या नहीं पड़ने वाला हूँ मुझे नहीं पता. लेकिन माय कैरेक्टर द बेस्ट क्वालिटी अबाउट हिम दैट ही इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल. उसे खुद नहीं पता कि वो नेक्स्ट स्टेप क्या लेगा, उसे खुद नहीं पता कि वो अगले पल में क्या करेगा, किसके साथ कैसा. ही जस्ट बिलीव, उसका अपना एक साम्राज्य, वो बिलीव करता है कि ही इज़ अ किंग एंड जो उसके आसपास के लोग हैं अगर वो परफेक्ट है तो आसपास भी परफेक्शन होना चाहिए. दैट्स व्हाट ही बिलीव. ओके सो अमनदीप आपसे जानना चाहिए, स्माइल के पीछे बहुत बड़ी चीज़ है, ये जानना चाहेंगे कि क्या आपकी तरफ से होने वाला है इस सीजन में? स्माइल के पीछे और इनकी स्माइल के पीछे. लेकिन आप पोस्टर में देख सकते हैं मैं बिल्कुल स्माइल नहीं कर रही हूँ, मैं रो रही हूँ. यस, लेकिन सिया बहुत लविंग है. सो ऑफकोर्स जैसा भी यू नो राघव मुझे प्यार कर रहा है, मैं उसमें हमेशा पॉजिटिविटी ढूंढूंगी कि कुछ भी हो एटलीस्ट मुझसे प्यार तो करता है ना. तो आई थिंक सो आजकल के जो लेडीज़ हैं, आजकल के नहीं एक्चुअली इंडिया में जितनी भी लेडीज़ हैं वो इस कैरेक्टर से बहुत रिलेट कर पाएंगी. बिकॉज यू नो समटाइम्स वुमेन सेक्रीफाइस everything just because they believe that husband is loving her. So you know वो हर चीज़ भूलने लगती है कि चल छट. But in this show they'll you know recollect all the things that this is not happening, this is wrong. I think so that's the point. सीजन 1 की बात करें तो बहुत यू नो ऑब्सेसिव विराज था, अब्यूसिव था. तो इस सीजन में क्या कुछ नया और देखने वाले हैं, यू नो थोड़ा बहुत आप हाईलाइट. राघव एंड विराज वाज अबाउट द सीजन प्लॉट. आई हैव नो आईडिया अबाउट द विराज कैरेक्टर, कि उनका कैरेक्टर कैसा होगा. डेफिनेटली जैसा आप भी कह रहे हैं वैसा होगा, लेकिन क्योंकि मैंने शायद उनके कैरेक्टर के बारे में इतना पढ़ा नहीं है स्क्रिप्ट में, मैं अपने कैरेक्टर के बारे में बता सकता हूँ कि यस ही इज वेरी ऑब्सेसिव, ही इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल एज आई सेड एंड अगेन ही इज अ किंग. Talking about this season, क्या कुछ नया देखने मिलेगा? सब कुछ मैंने अभी आपको बताया. इट्स अ वेरी न्यू एज स्टोरी, न्यू एज कैरेक्टर. यू नो आज सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, आज डिजिटल इतना एक्टिव है, तो उसके अकॉर्डिंग वी हैव इम्प्रोवाइज द स्टोरी. धीरज आप करण के किरदार में काफ़ी प्यार दिया गया, लेकिन जब ये फैंस का आपको पता चला कि आज ये किरदार निभाने वाले सौभाग्य उसी भर में, तो कैसा रिएक्शन था फैंस? ये सी फैंस ने अभी तक देखा नहीं इशू, बट ये था कि येस दे अंडरस्टूड आई वॉन्टेड टू बी इन दिस काइंड ऑफ स्पेस एज एन एक्टर. मुझे काइंड ऑफ मैनिफेस्टेड दिस थिंग
यू नो मैं हमेशा करना चाहता था एक ग्रे शेड कैरेक्टर और बहुत सही मौके पर, और इससे बड़ा ग्रे शेड कैरेक्टर आपको क्या मिलेगा। सो आई एम सुपर हैप्पी टू बी प्लेइंग दिस अल्फा कैरेक्टर। अमनदीप आपके किरदार के बारे में बताइए, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, ग्रे होगा, थोड़ा बहुत हाईलाइट इतना पिंक होगा मेरे जैसा नहीं, हमारे शो में कोई नेगेटिव है ही नहीं एक्चुअली, नॉट इवन ग्रे, हम लोग ये भी नहीं बोल रहे हैं कि नेगेटिव या ग्रे है। उनका प्यार करने का तरीका अलग है, मेरा प्यार करने का तरीका अलग है, उनके अकॉर्डिंग ही इज राइट, मेरे अकॉर्डिंग आई एम राइट, सो देयर इज नो नेगेटिव पर्सन इन आवर शो। आप लोग खाना खा के जाइएगा सीजन 1 काफी ज्यादा हिट रहा है, लेट्स गो वॉच द शो लास्ट सीजन 1 काफी ज्यादा हिट रहा है। सीजन 2 की जब बारी आई थी, यू नो लोगों ने जो प्रोमो देखा, वो झलक एक देखी, टीजर देखा, तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। कितना प्रेशर आप लोगों पे है वो बेंचमार्क सेट रखना? देयर इज नो प्रेशर, आई फील एज एन एक्टर, मैं अपना काम मूवी से निभाता हूं, मैं बहुत मेहनत करते हैं हम सब, आई मीन द होल टीम इज वर्किंग वेरी हार्ड फॉर द शो, इट्स जस्ट कीप, देयर इज नो प्रेशर दो, इट्स जस्ट अ चैलेंज टू मेक गुड कंटेंट, यू नो एक अच्छा कंटेंट जो ऑडियंस एक्सेप्ट करे वो प्यार। थैंक यू गाइस, खाना खा के जाइएगा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय।